बिहार में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में चक्रवाती हवा का प्रभाव उत्तर प्रदेश और बिहार के तटवर्तीय हिस्से में बना हुआ है। ऐसे में पिछले 5 दिनों से मॉनसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से 16 जिलों के लिए तेज हवा वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्थगित की गई 67वीं परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। बीपीएससी 67वीं परीक्षा अब 20 सितंबर 2022 को होगी। बता दें कि अधिक संख्या में आवेदन होने के कारण 67वीं परीक्षा टाल दी गई थी। अब बीपीएससी परीक्षा का आयोजन एक से अधिक शिफ्ट में करेगा। कटिहार रेल इंटेलिजेंस की सूचना पर 6 रोहिंग्या लड़कियों के साथ 2 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। इन सभी को सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन से अन्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार लड़कियों का 12,000 रुपए में सौदा हुआ था। पटना में बीती देर रात अपराधियों का तांडव देखने को मिला। अपराधियों ने ईंट पत्थर से कूचकर एक युवक की हत्या कर दी। घटना पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के गुरु के बाग स्थित बेगम बाग इलाके की है। बिहार के मुजफ्फरपुर के चचरी क्षेत्र के कटरा के लोगों ने महज 20 दिन में चंदा जमा कर पुल बना लिया। कई दशकों से पुल के लिए तरस रहे ग्रामीण 8 लाख रुपए चंदा जमा कर लोहे का पुल बनाया है, जबकि जनप्रतिनिधियों की जगह गांव के लोगों ने फीता काट कर उद्घाटन भी किया। मुंगेर में एक माँ बेटे के बीच जमीन विवाद सुलझाने का बहाना लेकर पहुंचे अपराधियों ने बेटे के साथ जमकर मारपीट की। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल बेटे और बहू को पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। गया जिले के विभिन्न दूरदराज के लोग डीटीओ से संबंधित कार्य कराने आते हैं, लेकिन डीटीओ कार्यालय गया मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर दूर है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी तो होती ही है। साथ ही संबंधित कर्मियों द्वारा टाल मटोल और पैसे की मांग से लोगों में काफी आक्रोश है। बेतिया में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर 23 और 24 सितंबर को बिहार आने वाले हैं। मिशन 36 के तहत अमित शाह का यह दौरा सीमांचल के क्षेत्र में होगा, जहां पहले दिन 23 सितंबर को पूर्णिया मैदान में आम सभा होगी। औरंगाबाद की स्वास्थ्य सेवाओं को और भी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से जिले को 8 नए एम्बुलेंस दिए गए, जिसे डीएम सौरभ जोरवाल ने हरी झंडी दिखाकर विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। इसके साथ ही अब जिले में एम्बुलेंस की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। औरंगाबाद तालाब में डूबने से एक मासूम की मौत हो गई। घटना बंदिया थाना क्षेत्र के डिहरी गाँव की है। बताया जा रहा है कि 8 वर्षीय मृतक मासूम बच्चा आर्यन कुमार आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ने गया था, लेकिन खेलने के दौरान तालाब में डूब गया। परिजनों ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कैमूर जिले के दुर्गावती पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में चंद दिनों की बनी महागठबंधन की सरकार अपराध के कारण ही अपनी नया डुबो लेगी। बिहार के दरभंगा जिले के नेहरा ओपी थाना अंतर्गत नेहरा गांव के तरौनी मोड़ में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण खाली कराने गए पुलिस के जवान पर ग्रामीणों ने ईंट पत्थर से अचानक हमला बोल दिया, जिससे एक पुलिस के होमगार्ड जवान की मौत हो गई। बगहा में नहर किनारे मासूम का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर अपराधियों ने उसके चेहरे को तेजाब से जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की है। साथ ही कमर से नीचे का हिस्सा, हाथ और उसका एक पैर भी काट दिया गया है। बेतिया के लौरिया के भाजपा विधायक विनय बिहारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक मेले में हाथी पर चढ़कर न सिर्फ हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि एक राउंड फायरिंग भी किया। पोक्सो ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में एक आरोपी विकास कुमार को 20 साल की सजा सहित पीड़िता को 3 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला 25 जून 2020 का है, जब इशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची से आरोपी विकास कुमार के द्वारा रेप किया गया था और उसे बेरहमी से घायल भी किया गया था। समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोरदीव पंचायत के बगड़ा चौर में भैंस धोने के लिए गई महिला की डूबने से मौत हो गई। महिला का पैर फिसलने से गहरे पानी में चली गई, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। 2 घंटे के बाद उनके शव को स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। सदर अस्पताल में युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। अस्पताल में तोड़फोड़ की और हॉस्पिटल के सामने टायर जलाकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया।
जानकारी के अनुसार युवक को डॉक्टर की सलाह पर कंपाउंडर ने 3 इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बघा के टाइगर रिजर्व में बाघ और तेंदुआ की लड़ाई में तेंदुए की मौत हो गई। मामला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के प्रमंडल 2 के शिवधूरी की है। यहां रविवार की देर शाम गश्ती दल ने तेंदुए के शव को देखा। सूचना मिलने पर वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाल्मीकि नगर के लौकुश घाट पर गंडक नदी में लकड़ी छानने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 1 पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए वाल्मीकि नगर PHC में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए बघा अनुमंडल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। झारखंड के दुमका में 17 वर्षीय मासूम अंकिता को एक तरफा प्यार में पागल आशिक ने जिंदा जला दिया। इसे लेकर भागलपुर स्टेशन चौक पर श्रीराम सेना संगठन ने अंकिता को न्याय दिलाने के लिए झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और अंकिता के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। एक दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार लालू यादव के दबाव में CBI को दिया हुआ सहमति जनरल कंसेप्ट वापस ले रही है। मतलब यह है कि कोई मामले में CBI को जांच करना है तो बिना राज्य सरकार के अनुमति के CBI जांच नहीं कर सकती। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के गिरनगंज पंचायत के माटी कूड़ा आदिवासी गाँव में 2 चोरों की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक आरोपियों की पहचान ठाकुरगंज प्रखंड दुघोटी पंचायत के निवासी मोहम्मद जुल्फिकार और दूसरे की पहचान मोहम्मद जलालन के रूप में हुई है। मालदा डिवीजन के DRM यतेंद्र कुमार भागलपुर पहुंचे। उन्होंने भागलपुर रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई को लेकर कहा कि लोग जहां तहां गंदगी फैलाते हैं, जिससे कि स्टेशन परिसर से लेकर रेल तक गंदगी फैली रहती है। हालांकि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि इस पर उचित कार्रवाई करें। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।